कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। नदीम चीमा आपका अपना चैनल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, आज आपके साथ मैं मलाई बोटी रेसिपी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि हम जो है मलाई बोटी रेसिपी कैसे बनाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे पास हैं कुछ मसाला जात, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, साल्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट और ज़ीरा, और ये ग्रीन चिली फ्रेश की हुई और क्रीम। तो ये हमारे पास है 5 केजी थाई का बोनस थाई वाला, तो ये थाई वाला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, हम इसमें एक किलो में गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। ये हमारे पास है 5 केजी, 5 केजी में 5 टीस्पून, 3, 4, 5, 1 केजी में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून 1 केजी। और नाज़रीन, हम ये डालेंगे बड़ा चम्मच, 2 ये वाले बड़े स्पून हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। और ये हमारे पास है ज़ीरा, 1 केजी में 1 टीस्पून और 5 केजी में 5 टीस्पून। ये हमारे पास जो ग्रीन चिली पेस्ट की हुई है, ये हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, 1.5 बड़ा स्पून। तो मेरे नए दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई नई और मजे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, तो इसमें हम डालेंगे 1 मिल पैक करीम, 5 केजी चिकन। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करेंगे। मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करेंगे और इसे आप हॉट प्लेट के ऊपर भी पका सकते हैं, फ्राई पैन के ऊपर भी पका सकते हैं और ओवन के अंदर भी पका सकते हैं। तो हम इसे पकाएंगे ओवन के अंदर, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख के पका सकते हैं। आप इसे शवारमे में यूज़ करें, पिज़्ज़ा में यूज़ करें, आप इसकी कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और फैमिली के साथ, आप अगर घर में फैमिली या बारबेक्यू टाइप करना चाह रहे हैं तो इसके बड़े पीस रखें। और आप मिक्सिंग करने के बाद इसे कम से कम आधा घंटा इससे रख लीजिएगा, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अंदर तक इसका जायका आए। ये हमारा मलाई बोटी तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेकिंग करेंगे।